जुड़ चुके हैं श्री न्यूज़ के साथ, मैं हूँ रूहानी। आतंकी जिस तरह से कायराना हरकत कर रहे हैं और बार बार हमारे जवान सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं, वो एक चिंता का विषय है। आज गवर्नर सत्यपाल मलिक ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है यहाँ के लिए, लेकिन चूंकि हमने 4-6 महीने में बिल्कुल सब्ड्यूड कर दिया था, तो मैं इसको 100% ये मानता हूँ कि ये बाहर का दबाव रहता है इन पे कि कुछ करो। वो ये महसूस करते हैं कि हम हार गए हैं, हमने जो 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था टेररिज्म का वो टूट गया है, तो उसके लिए ये इक्का दुक्का घटनाएं कर लेते हैं। और इनिशिएटिव ऑलवेज ये करने वाले के पास होता है, लेकिन फिर भी हम आपको गारंटी करते हैं कि हम इस मेहनत को बहुत जल्दी उखाड़ देंगे। टूरिस्ट को यहाँ कोई खतरा नहीं है, नई भर्ती बहुत कम हो गई, रादर बंद हो गई है। पथराव भी जुमे के बाद जो होता था वो लोगों को समझ में आ रहा है कि इस रास्ते से कहीं नहीं पहुंचेंगे। और बहुत लोग अभी 2-3 दिन पहले 2 लोग वापस आए हैं अपने उसके फोल्ड से टेररिस्ट के, तो ग्राउंड सिचुएशन बहुत अच्छी है। लेकिन ये इक्का दुक्का घटनाओं को ना अमेरिका रोक पाया, ना इंग्लैंड रोक पाया, ना फ्रांस रोक पाया, हो जाता है, लेकिन हम उसका इलाज कर देंगे बहुत जल्दी। कहा कि गवर्नर सत्यपाल मलिक ने क्या कहा, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो भी घटनाएं घाटी पर हो रही हैं वो पाकिस्तान के इशारे पर हो रही हैं, क्योंकि टॉप कमांडर्स का सफाया किया जा रहा है, तो बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा रही है। हालांकि जिस तरह से कल जो शाम को पुलिस स्टेशन पर, जो पुलवामा में एक पुलिस स्टेशन था, वहां पर भी इस तरह से ग्रेनेड ब्लास्ट होता है, सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाता है, IED ब्लास्ट जो है वो पुलवामा में एक बार फिर से किया जाता है, और पुलवामा टेरर अटैक दोहराने की जो कोशिश है वो की जाती है, लेकिन बौखलाहट साफ तौर पर दिख रही है क्योंकि आतंकियों का सफाया हो रहा है। जम्मू से रूहानी की रिपोर्ट।